हेलो गाइस, आई एम करण। वेलकम टू लर्निंग क्लासरूम। सो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे मेटल के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वो उससे इजीली पास आउट हो जाता है और कंडक्ट कर लेता है, बट हमारा नॉन मेटल क्यों नहीं करता। सो गाइस, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले देखिए गाइस, मैं आपको जैसे बताने वाला था कि मेटल क्या होता है, मेटल के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। सो देखते हैं, ये हमारा दो डायग्राम है। पहला है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, दूसरा जब पास कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये किसके कारण होता है गाइस? ये ओनली हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा मेटल होता है गाइस, मेटल के पास हमारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, जो अलाउ करता है कि हाँ इससे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जैसे ये हमारी है, हमारे एक मेटल पीस है, ठीक है। सो डेट क्या होता है ना, इसमें जैसे ये हमारा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सो क्या करता है, इसी के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू पास आउट हो जाता है। लेकिन जो हमारा गाइस प्लास्टिक है, जैसे लाइक नॉन मेटल है, वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सो देखिए, ये हमारे एक डायग्राम है जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। सो गाइस, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते किसी भी आयरन पीस में, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे रैंडमली कहीं भी होता है, इसका पोजीशन फिक्स नहीं होता, ठीक है। गाइस, ये हमारा तबका है डायग्राम, जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो रहा होता है, रीजब हो रहा होता है, तो ये क्यों होता है? सो देखिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है गाइस, वो ना एक तरीके से पूरा एक सीरीज बना लेंगे, एक लाइन बना देंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली किसी भी पोजीशन में होता, कोई फिक्स नहीं होता, बट जब पास आउट करते हैं तो फिक्स होता है। तो क्या होता है देखिए, तो जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे ये प्लस है और नेगेटिव है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारा डायरेक्शन होता है चार्ज का, किधर से होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? गाइस जल्दी बताइए, ये हमारा क्या होता है, हमारा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है गाइस। इसीलिए सो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगी, मतलब कि जो हमारा डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, आप क्या बोलिएगा, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर हमारा चार्ज का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है, तो उसका डायरेक्शन हमारा माइनस से प्लस होगा, मतलब उल्टा चार्ज होता है, जिसके कारण जो फ्रिक्शन होता है वो बीच में प्रोड्यूस होता है गाइस, ठीक है। सो दैट यही हमारा कुछ डिफरेंस था, जिसके आपको पता चल सकता है आराम से कि जो मेटल है वो हमारे कैपेबल क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवलिंग के लिए, बट नॉन मेटल क्यों नहीं होता है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहली पहुंचे। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।